All right. ये है सुजय। आपने देखा होगा एक वीडियो किया था, हाउ टू स्पीड अप योर स्मार्टफोन, हाउ टू स्पीड अप फास्ट कैसे करना चाहिए आपके स्मार्टफोन। तभी इसने कहा था कि मेरा Asus Zenfone Max Pro M1 है, 3-4 साल पुराना, एंड स्टोरेज नहीं है, इसको मैं स्पीड अप कैसे करूं, तो उसके ऊपर वीडियो किया था। इंटरेस्टिंगली दोस्तों हमने क्या किया पता है, हमने इसे एक नया फोन दे दिया। जी हाँ, कौन सा दिया है? M11 आया। हाँ, तो ये वीडियो किस लिए है? ये बेसिकली एक बहुत ही बढ़िया यूज केस है। जब आप एक नॉर्मल बजट का फोन यूज करते हो और उसके बाद में सडनली आपको एक बहुत अच्छा फोन मिल जाता है कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, तो आप क्या क्या करते हो? कैन यू रिलेट टू दैट? जब आप एक नया फोन लेते हो तो ये सब जो मैं पूछने वाला हूँ आज सुजय के साथ, उसने क्या किया है, उसे कैसे लगा, उसका एक्सपीरियंस क्या था, सब कुछ पूछने वाला हूँ। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपका भी यही एक्सपीरियंस होता है जब आप नया फोन लेते हो, और इसमें से कुछ कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ जो आपने करनी भी चाहिए जब आप एक नया फोन लेते हो। वैसे सबसे पहले ये बताओ, Asus Zenfone Max Pro M1 था तुम्हारे पास और ये Mi 11 आए हैं, इसमें कौन सा है, क्या है स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसके? Dimensity 920 MediaTek। ओके, सो 5G है ये? 5G प्रोसेसर है, 108 MP कैमरा। उसमें कितना था? उसमें था कुछ 16 MP का कैमरा। ओके, इसमें 108 MP, ओके, मेगापिक्सल का कैमरा। डिस्प्ले? उसमें डिस्प्ले AMOLED है, उसमें तो नहीं, उसमें IPS LCD। सो सभी चीजों में बहुत बड़ा जंप है। कैसे, सबसे पहले दिन जब साजिद ने तुझे दिया ये फोन, तो क्या लगा तुझे? What did you feel? I was very much surprised. I was very much excited to set it up. Okay. हाँ, set up करते समय सबसे पहले तुमने क्या किया? सबसे पहले तो fingerprint मैंने देखा, check किया fingerprint set करके कितना fast है, क्योंकि उसका rear mounted fingerprint scanner आता है और इसमें side mounted fingerprint scanner है, तो थोड़ा difference कि क्या क्या होता है, कैसे होता है नया फोन। तो पहले 10-15 चीजें तुमने क्या की, तुम्हारा डेटा वगैरह ट्रांसफर किया? जी, मेरा पहले का गूगल अकाउंट था वो करके, एंड नया गूगल कॉन्टेक्ट करके सब बैकअप लेके पहले सेट किया। तो डिफरेंस क्या महसूस हुआ जब तुम कॉल कर रहे थे, कुछ भी ऐप वगैरह ओपन कर रहे थे? जो 60 हर्ट्ज से लेके जो जंप 120 हर्ट्ज, यार ये टेकी की बातें मत करो, मैं आई यू आर नॉट सिटिंग हियर टू टेल मी 60 एंड 120 हर्ट्ज, यू आर अ नॉन टेकी पर्सन, राइट? मतलब अगर देखा गया तो ये सोशल मीडिया हैंडल करता है एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट ही इज अ नॉन टेक गाय और इसीलिए इसको इधर बिठाया है। बाकी सब लोग जो है ना इधर, वैसे ऑडियंस बहुत सारी है, सब देख रहे हैं कि सुजय क्या बात करने वाला है। डिफरेंस महसूस हुआ तुम्हें कि भाई फास्ट होता है? जी, बटरी स्मूथ है, मतलब ये है, मतलब स्वाइप टचेस एकदम फ्लुएंट है। हाउ डिड इट अफेक्ट तुम्हारा जो रियल लाइफ में तुम जो चीजें करते हो वो अफेक्ट कैसे हुआ? जी, बेसिकली मैं ज्यादा फोन अभी हैवी यूजर तो हूँ नहीं, मतलब कैमरा ऐप स्विचेस वगैरह तो ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, कॉलिंग के लिए करता हूँ ज्यादा, बाकी डॉक्स और शीट्स पे काम करता हूँ थोड़ा बहुत, एंड ज्यादा मतलब मल्टीमीडिया थोड़ा बहुत। तो अगर कंपेयर करते हो M1 के साथ और इसमें, तुम्हारा टाइम बचा या मुझे वो अंदर की फीलिंग चाहिए कि जब तुम ये सब कर रहे थे, डू यू थिंक कि इट इज वर्थ इट, कि अगर ये 30,000 का फोन है वो 10,000 का था, 10,000 से 30,000 का फोन लेना चाहिए, इतना ज्यादा डिफरेंस तुम्हें महसूस हुआ? और एक सवाल, ये इतना पावरफुल फोन आने के बाद क्या तुमने ऐसी कुछ चीजें चालू की जो तुम पहले फोन के साथ नहीं करते थे? फॉर एग्जाम्पल 108 MP का कैमरा है, तो क्या ज्यादा फोटोज तुमने निकालने स्टार्ट किए? फोटोज मैंने यूज किए बट नॉट कम्प्लीटली 108 MP, जो नॉर्मल प्राइमरी सेंसर से जो फोटोज खींचे वो यूज किए, लेकिन पहले से ज्यादा खींचने लग गए थे? यस, डेफिनेटली फोटोग्राफी थोड़ी बढ़ गई मेरी, कुछ सब्जेक्ट्स लेके यूज किए, फिर AI जो कैमरा AI फीचर है इसमें वो अच्छा लगा मुझे, जो नाइट मोड में भी कैप्चर कर पा रहा था, मतलब जो पहले नहीं कर पा रहा था, नाउ आई अंडरस्टूड कि हाँ अब मतलब कर सकते हैं, ठीक है, सो दैट वाज लैकिंग, नाउ इट्स नॉट लैकिंग एनीमोर। तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, नया अच्छा कैमरा है तो और भी ज्यादा फोटोज खींच रहे हो। तुम्हारे प्रोडक्टिविटी में कुछ डिफरेंस पड़ा? फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, गूगल शीट्स वगैरह जो तुम यूज करते हो? हाँ, मतलब पहले यूज में थोड़ा लैग हो रहा था, इसलिए हमने वो फोन फास्ट किया था, इट गॉट फास्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट अभी जो नया फोन का एक्सपीरियंस होता है वो डेफिनेटली बेटर है। अगर मैं कहूँ कि नहीं अभी तुम फिर से M1 पे जाओ, तो नहीं, मतलब इनिशियली थोड़ा हेजिटेट करूंगा मैं। ठीक है, ये तो मैंने दिया तुम्हें, समझो मैंने ये निकाल लिया और मैंने कहा हाँ ठीक है M1 इस्तेमाल करो, क्या तुम M1 इस्तेमाल करोगे या फिर नया फोन जाके खरीदोगे? नहीं, आई थिंक मैं नया फोन प्रेफर खरीदोगे।
That's the difference. ये जो होता है ना, देखिए मैं बहुत बार कहता हूँ ऐसे कि आपने आप जब फोन खरीदते हो, आप हमारा स्मार्टफोन बाइंग गाइड जो है वो वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने कहा है कि चेकलिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या करते हो आपके फोन में, और उस हिसाब से जब आप फोन लेते हो आप फिर लीजिए। देखिए जब आप बजट स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो सर्टन थिंग्स आप नहीं कर पाते हो एंड यू लिटरली लीव इट, आप छोड़ देते हो, आपको ज्यादा कुछ लगता नहीं है। लेकिन वही जब आप फास्टर फोन इस्तेमाल करने लग जाते हो तो आपको पता चलता है अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरा काम इतना स्पीड अप हो रहा है, अब मैं इसके भी फोटोज ले सकता हूं, मैं शाम को अंधेरे में भी फोटो ले सकता हूं, पहले बजट में आप नहीं कर पाते थे। सो ये जो मिड रेंज के जनरली फोन्स होते हैं दे हैव बिकम वेरी वेरी कैपेबल, और इसीलिए मैं ये भी हमेशा कहता हूं कि फ्लैगशिप हमेशा जरूरत नहीं है। अगर आप 20 25 30 हजार इस रेंज के भी फोन्स लोगे दे गिव यू सम रियल गुड फोटोज, रियल गुड पावर, रियल गुड डिस्प्लेस, मतलब एमोलेड डिस्प्ले, राइट, मतलब इससे अच्छा डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज आपको एक 70,000 के फोन में भी मिलता है और इसमें भी मिल रहा है। सो इसेंशियली बहुत सारी चीजें जो पहले भी नहीं करते थे अब तुम इस फोन पे करने लग गए हो। मल्टीमीडिया, मतलब सरप्राइजिंगली मल्टीमीडिया बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग गए हो मैं, दो स्टीरियो स्पीकर्स है एंड AMOLED का जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो बहुत ओके। तो मी 11i के बारे में बात करते हैं एक क्विकली, कैसे लगा ओवरऑल फोन तुम्हें, कैसे लगा एज अ क्या लैकिंग क्या है, नेगेटिव क्या है इसमें? इसमें नेगेटिव्स ये है कि अभी मैं वीडियोग्राफी पर्सनली नहीं करता बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, सो एक नया गिम्बल वगैरह सेटअप करने आए थे उस दिन ओके। तो इसमें एक चीज है कि 4K आप 60 FPS पे नहीं कर पाते हो ओके, व्हाइल अदर ऑप्शंस जो है सेम प्राइस रेंज में वो आपको वैसे ऑप्शंस देते हैं। लेकिन क्या तुम 60 FPS अगर होता तो क्या तुम खींचते थे? जी, तो ये है तो कि कम्प्लीटली मैं यूज नहीं करूंगा बट फॉर द पीपल हु आर कम्प्लीटली एंथुसियास्ट इन वीडियोग्राफी उनके लिए वो एक फीचर शायद से थोड़ा लैक हो सकता है। अच्छा, ये जो फोन है इसकी टॉप 3 चीजें बताओ जो तुम इस्तेमाल करते हो सबसे ज्यादा। जो मैं अभी इस्तेमाल करता हूँ वो है फास्ट चार्जिंग, 120 वॉट्स फास्ट चार्जिंग ने, मतलब 20 मिनट्स में लिटरली फुल चार्ज कर देता है। पहले तुम्हारा 5 वॉट या 10 वॉट का चार्जर होगा M1 में, इसमें कितना है? इसका 120 वॉट, 120 और 10 वॉट से 120 वॉट ओके। तो वो है जो पहले 3 घंटे चार्ज लगाता था Asus Zenfone, अभी लिटरली एक शावर के बाद मैं आता हूँ फुल चार्ज हो जाता है 20। तो अभी पहले रात को लगा के रखते थे सुबह, एग्जैक्टली मैं ओवरनाइट चार्ज करके फिर सुबह यूज कर देता था फुल डे, 5000 mAh बैटरी मेरा पूरा। और उस फोन से मुझे पता चला कि ओके 5000 mAh बैटरी इज द बेंचमार्क। अच्छा, फॉर अ फुल डेज, मतलब तुम कहते हो कि अकॉर्डिंग टू फॉर अ नॉर्मल यूजर लाइक यू एक 5000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, इज मोर देन एनफ फॉर अ फुल डे, फुल डे आराम से ओके। इवन इफ आप हैवी गेम्स खेल रहे हो, हैवी यूजेज। लेकिन M1 जो था वो शायद 12 nm प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर था उसमें? 625 क्या? नहीं, 636 था, दैट इज व्हाट 12 nm बेस था, राइट? तो ये जो है इसके अंदर 920 है, दैट इज 6 nm प्रोसेसर, राइट? मतलब नियरली बैटरी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, तो बैटरी लाइफ भी ज्यादा मिलती होगी। इसमें बैटरी कितनी है? 4500 एंड दैट इज इनफ फॉर यू? मोर देन इनफ फॉर मी फॉर वन डेज वर्क, फॉर डेफिनेटली दैट इज मोर देन इनफ ओके। सो अभी शॉवर को जाते हो लगा के आते हो तब तक फुल चार्ज। वैसे ये जो है कहते हैं कि 17 18 19 मिनट में होता है, लेकिन जनरली अराउंड 25 मिनट्स लगते हैं, लेकिन हम 0 to 100 नहीं करते, हम जनरली 10-15% पे होती है एंड 90% तक लेके जाते हैं, जो 15 मिनट में इजीली हो जाते हैं जितना टाइम आपको शॉवर करने लगता है। सो दैट इज गुड ओके। बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या लगा? दिस इज अ ग्लास बैक, राइट? केस नहीं डालते हो? डर नहीं लगता है? नहीं, मैं तो केस डाल के ही यूज करता हूँ, अभी फिलहाल केस पे स्टिकर लगाए थोड़े, तो दिखाने नहीं है, दिखाओ दिखाओ देखेंगे भाई हम कुछ ऐसे कुछ ऐसे एक्स्ट्रा स्टिकर्स मुझे मिले डेस्क पे तो वो मैंने लगा दिए ओके। तो ऐसे इस्तेमाल करते हो? साइज में वगैरह कुछ डिफरेंस कैरी में करने में कुछ नहीं? इट्स ऑलमोस्ट द सेम वेट, 200 to 210 grams का ही वेट था, जो Asus Zenfone Max Pro का भी है उतना ही वेट है, बिकॉज ऑफ द सेम बैटरी साइज, ऑलमोस्ट सेम बैटरी साइज। अच्छा, अगर जैसे मैंने कहा मैं निकालने नहीं वाला हूँ, डोंट वरी, लेकिन अगर मैंने ये फोन फिर से ले लिया तो कौन सा फोन लोगे तुम? वो फिर बजट के हिसाब से मुझे वीडियो देखना पड़ेगा फिर डिसाइड करना पड़ेगा ओके। बट आई डेफिनेटली बाय अ फोन दैट हैज अ 5000 mAh और मोर बैटरी। हाँ, मतलब बैटरी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके। एंड फास्ट चार्जिंग अभी है जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है ओके। बट या ऑन
अगर अगर ये फोन आप ले लेते हो तो फिर 65 वॉट एटलीस्ट होना चाहिए। डिस्प्ले के मामले में एमोलेड लोगे या नॉर्मल लोगे? एमोलेड डेफिनेटली। वो परसेप्शन डेफिनेटली चेंज हो गया मेरा। IPS LCD से सुपर एमोलेड अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली सुपर। व्यूइंग एंगल्स, ब्लैक्स वगैरह देखो, बहुत डिफरेंस होता है। ग्रेस बिल्कुल नहीं दिखते हैं। दैट इज व्हाई आई सेड कि मेरा जो मल्टीमीडिया कंजम्पशन है वो बढ़ गया, वो स्मार्टफोन पे बढ़ गया है। गेमिंग बढ़ गया है स्मार्टफोन पे एंड मल्टीमीडिया Netflix. डिसएडवांटेज, अच्छा फोन लेने का एक डिसएडवांटेज भी है, आप ज्यादा छोटी स्क्रीन पे यूज करने लग जाते हो, मतलब स्क्रीन टाइम तुम्हारा सेम ही बढ़ गया होगा। मतलब है ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स का। और पहले कितना होता था उसके ऊपर? मतलब वो तभी इतना चेक नहीं किया था, बट ऑलमोस्ट 4 आवर्स। सो अबाउट 20-30% से यूसेज बढ़ गया है। फाइनल एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तो सब हमने हार्डवेयर के बारे में, कैमरा डिस्प्ले के बारे में बात किया। पहले नियरली स्टॉक एंड्रॉइड था M1 के ऊपर, इसमें MIUI है, 12.5 है। तो क्या डिफरेंस महसूस किया? डू यू लाइक स्किन या स्टॉक एंड्रॉइड, क्या पसंद आया? पर्सनली आई लाइक स्टॉक एंड्रॉइड वेरी मच बिकॉज ऑफ द क्लीन एक्सपीरियंस। बट जब मैंने ये फोन सेटअप किया तब MIUI 12 पे था। okay. एंड MIUI 12 में मुझे थोड़े बहुत प्रॉक्सिमिटी सेंसर से बग थोड़े बहुत दिखाई दिए, कॉल्स के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर से जो स्क्रीन ऑफ हो जाता है व्हेन यू हेल्ड इट, तो वो प्रॉब्लम दिखाई, थोड़े बग दिखे। उसके बाद एक अपडेट आया MIUI 12.5, उसके बाद से वो अपडेट्स फिक्स हुए हैं, बग्स फिक्स हुए। बट अभी देखना है, और जब 13 आएगा तब कुछ। तुम कितना अभी 2 हफ्ते से इस्तेमाल कर रहे हो? दो तीन हफ्ते से। MIUI कैसे लगा? यू स्टिल से कि अगर स्टॉक एंड्रॉइड होगा तो, मतलब समझे, मैंने ये फोन निकाल लिया, विल यू टेक अ स्टॉक एंड्रॉइड फोन या फिर MIUI फोन? स्टॉक एंड्रॉइड फोन। स्टॉक एंड्रॉइड, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओके okay. या फिर एक ऐसा फोन जो मुझे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस देता है। MIUI मुझे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं देता है, जैसे ऑक्सीजन OS या कलर OS। ओके देता है बट उतने ज्यादा नहीं। ओके सो यू नीड मोर कस्टमाइजेशन, थोड़ा और फ्रीडम चाहिए, मतलब उस हिसाब से चाहिए। अच्छा मुझे एक बात कहो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर या साइड माउंटेड? इन डिस्प्ले नहीं लोगे? अभी फिलहाल तो नहीं लूंगा। अच्छा लेकिन अगर चॉइस दी गई तो तुम साइड माउंटेड प्रीफर करोगे? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके अभी जितने 2-3 हफ्ते से मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि मैं फोन ऐसे पकड़ने वाला हूँ और वो डेफिनेटली वो फिंगर वहां पे जाएगा, तो फिर उस हिसाब से वो प्रैक्टिकली, मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल है ऐसे कह रहे हो। ओके सो मुझे लगता है नॉर्मल कंज्यूमर भी यही सोचता होगा, क्योंकि अभी तक मेरे दिमाग में यह था कि इन डिस्प्ले, क्योंकि मैं इन डिस्प्ले ही इस्तेमाल करते आया हूँ, सो इन डिस्प्ले इज बेटर, आई गॉट यूज टू इट, बट अकॉर्डिंग टू हिम नहीं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इज मच बेटर। सो नाइस, 2-3 चीजें, मतलब उसे एक्सपेक्टेड नहीं था ये फोन, जब M1 यूज कर रहा था कि उसे ये मिलने वाला है। मिलने के बाद दोस्तों ज्यादा मल्टीमीडिया, ज्यादा गेमिंग करने लग गया, बैटरी के लिए बहुत ज्यादा खुश है, डिस्प्ले इतना अच्छा होने की वजह से मल्टीमीडिया, जैसे मैंने कहा है, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग ज्यादा करने लग गया, प्रोडक्टिविटी उसका बढ़ गया। आफ्टर ऑल एक स्मार्टफोन जो है, यू आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारा आपका काम भी इसके ऊपर होता है, एंड यस ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट गेमिंग भी होता है। सो जब आप एक स्मार्टफोन परचेस करोगे ये सब चीजें ध्यान में रखना, और जैसे मैंने कहा स्मार्टफोन बाइंग गाइड का जो हमारा वीडियो है जरूर देखिएगा और फिर लीजिएगा। मुझे एक नॉन टेकी पर्सन से एक उसका क्या एक्सपीरियंस रहा सडनली व्हेन ही गेट्स अ न्यू फोन, अ मच बेटर फोन, वो आप तक पहुंचाना था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।